मॉर्निंग स्टूडेंट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर सिक्सटीन सेंटेंस इन प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू सेंटेंस एंड इन फाइव काइंड सो वाट आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका क्या होता है कोई सेंस होता है और जिनका कोई सेंस नहीं होता वो सेंटेंस नहीं होते दैन uh, मैंने क्या बताया था अब कि देर आर फाइव काइंडस ऑफ सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एंड लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर तो हम स्ट्रक्चर की बेस पर सेंटेंस को अगेन डिवाइड करते हैं थ्री मोर टाइप्स में सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सो लेट सी सेंटेंसिज अटेंस हैविंग ओनली वन क्लॉज एंड देयर फोर ओनली वन फाइन एट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेज क्या होते हैं जिनके अंदर क्या होता है वन क्लॉज अभी क्लॉज क्या होता है तो क्लॉज को हम आगे आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर सेवेंटीन उसमें डिटेल स्टडी करेंगे बस इससे पहले आपको ये माइंड में रखना है कि क्लॉज क्या होते हैं क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस यानी कि जो क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं एक पार्ट होते हैं यानी कि सेंटेंस का एक हिस्सा होते हैं पूरा सेंटेंस को हम क्लॉज नहीं कहते लाइक like लाइक सेंटेंस क्लॉज ऑल्सो हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेड जैसे सेंटेंस के अंदर क्या होता है एक सब्जेक्ट होता, होता है एक प्रेडिकेड होता है सिमिलर्ली क्लॉज ऑल्सो हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेड और इसके अंदर क्या होता है वन फाइनेट वर्ब यानी कि ए फाइनेट वर्ब क्या होते हैं यानी कि जो मेन वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब होते हैं जो मेन एक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं फाइनेट वर्ब यानी कि जितने भी सिंपल सेंटेंस हैं उनमें एक क्लॉज होता है और एक फाइनेट वर्ब होता है लेट्स सी द एग्जांपल सीमा इज ए नाइस गर्ल तो सीमा क्या हो गई सब्जेक्ट यानी कि इसके बारे में बात हो रही है क्या है एक अच्छी लड़की है तो ये क्या होगी प्रेडिकेट तो ये क्या हो गया सिंपल सेंटेंस जैसे हमने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस के अंदर वन क्लॉज तो क्लॉज में क्या होता है एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है तो सीमा क्या हो गई सब्जेक्ट इज ए नाइस गर्ल क्या हो गया प्रेडिकेट द कैप्टन ऑफ़ द क्रिकेट टीम हैज़ फॉल इन इल यानी कि जो कैप्टन है क्रिकेट टीम का क्या हो गया बीमार पड़ पड़ गया है तो फॉल इन क्या है यहाँ पर फाइनेट वर्ब है और कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम क्या है ये सब्जेक्ट है और हेज़ फॉल इन इल क्या है ये प्रेडिकेट है तो जिन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है मेन वर्ब होता है उन सेंटेंस को हम क्या कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं लेट सी अनदर काइंड कंपाउंड सेंटेंसेज कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं सेंटेंस कंटेनिंग टू मेन क्लॉज दैट आर जॉइन टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है जब हम टू मेन क्लॉज यानी कि दो ऐसे क्लॉज को आपस में कंबाइन uh, करते हैं जो क्या होते हैं अगर हम उन्हें सेपरेट लेकिन तो वो इंडिपेंडेंट है इनका मीनिंग कंप्लीट होता है तो ऐसे सेंटेंस जो क्लॉज को जोड़ते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस और ऐसे क्लॉज किससे कनेक्ट होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब हमने आपको कंजक्शन पढ़ाए थे तब तो हमने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं जो दो ऐसे सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं या दो ऐसे क्लॉज को आपस में कनेक्ट करते हैं जो अगर उन्हें हम सेपरेट करें तो उनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कंप्लीट होता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं लेट्स सी कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देखिए सो दे फोर एज ए रिजल्ट फॉर डेट रीजन एंड बोथ एंड येट स्टिल ओनली ये सारे क्या कहलाते हैं कॉर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं तो अब देखिए लेट्स सी द एग्जाम्पल ही लुक एट द मैसेज एंड बिगेन टू लाफ अब यहाँ पर देखिए ही लुक एट द मैसेज तो यहाँ पर ये क्या है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी कि इसके अंदर एक सब्जेक्ट मैंने अभी आपको क्लॉज के बारे में क्या बताया क्लॉज में क्या होता है एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है प्रेडिकेट तो ही क्या है सब्जेक्ट उसके बारे में बात हो रही है प्रेडिकेट क्या है जो वो काम कर रहा है क्या कर रहा है मैसेज की तरफ देखता है ठीक है उसने देखा मतलब ही लुक एट द मैसेज यानी कि उसने मैसेज की तरफ देखा तो यहाँ पर ये यह क्या हो गया प्रेडिकेट तो ये एक क्लॉज हो गया एंड बिगेन टू अब यहाँ पर दूसरा देखिए बिगेन टू लाफ तो यहां पर क्या है उसने हंसना मतलब वो हंसा होगा उसको देखकर मैसेज को देखकर और हंसा तो ठीक है उसने क्या किया कि उसको देखकर वो हंसा तो यहाँ पर क्या हो गया ही लुक एट द मैसेज तो ये इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है एंड तो ये एंड क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और ये क्या है दो ऐसे क्लॉज हैं जो अगर उनको सेपरेट किया जाए तो क्या होगा इनका इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा जैसे ही लुक एट द मैसेज एंड ही बिगेन टू लाव अगर हम यहाँ पर ही लगा देते हैं तो उसका क्या होगा एक सेपरेट क्लॉज हो जाएगा तो ये ऐसे दो क्लॉज को आपस में कनेक्ट करता है जिनको अगर हम अलग करें तो उनका मीनिंग क्या होगा कंप्लीट होगा सिमिलरली आई वाज डिसअपॉइंटेड बट आई डिड नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग आई वाज डिसअपॉइंटेड तो यहाँ पर क्या है ये सेपरेट क्लॉज है इसके अंदर आई क्या है सब्जेक्ट वॉज डिसअपॉइंटेड क्या है प्रेडिकेट आई डिड नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग ये भी क्या है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये इस पर डिपेंड नहीं है और ये इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है बट क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो जो ऐसे सेंटेंस जिसमें जिनके अंदर क्या होता है टू मेन क्लॉज होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्ट होते हैं ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस लेट्स सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लॉज एंड एट लीस्ट वन सब ऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं जिनके जिन सेंटेंस जिन के अंदर क्या होता है वन मेन क्लॉज यानी कि एक कंप्लीट क्या होता है एक ऐसा क्लॉज होता है जिसका मीनिंग क्या होता है कंप्लीट होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं वो क्लॉज जो मेन क्लॉज पर डिपेंड होते हैं अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए यानी कि उन अगर मेन क्लॉज नहीं होता तो उनका मीनिंग क्या होता है इनकम्प्लीट होता है तो यानी कि ये, ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है अपना मीनिंग कम्प्लीट करने के लिए और इन ये किससे कनेक्ट होते हैं इनके अंदर क्या यूज़ होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं डेट इफ़ व्हेन वेयर बिफोर ऑल दो सिंस आफ्टर बिकॉज एज ये सब क्या है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है सो लेट सी द एग्जाम्पल वैन द ट्रेन अराइव आई शेल कॉल यू अब देखिए यहाँ पर क्या है आई शेल कॉल यू क्या है ये मेन क्लॉज है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा अब इसमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है वैन द ट्रेन अराइव्स अगर हम नॉर्मल लिखें क्या जब ट्रेन पहुं, मतलब पहुँचती है तो क्या मतलब मीनिंग इनकम्प्लीट हो रहा है ना यह वैन द ट्रेन अराइव तो ये क्या है यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि यहाँ वैन लगा हुआ है और वैन हमने बताया कि इसमें सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे तो वैन क्या है वैन इज़ ए सब ऑर्डिनेटिव इंजेक्शन तो वैन द ट्रेन अराइव्स तो यानी कि जब जैसे ही ट्रेन पहुँचती है आई शेल कॉल यू मैं तुम्हें कॉल करूँगा तो यहाँ पर क्या है ये जो सेंटेंस है ये जो वैन द ट्रेन अराइव से किस पर डिपेंड है आई शेल कॉल यू पर डिपेंड है कि जब मतलब ट्रेन पहुँचती है मैं कॉल करूंगा तो यानी कि अगर हम इन दोनों को सेपरेट करें वैन द ट्रेन अराइव्स को अगर अगर हम सेपरेट कर दें शेल यू से तो क्या होगा इसका मीनिंग इनकम्प्लीट होगा तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है अपना मीनिंग कम्प्लीट करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आई लेफ्ट द हाउस वैन माई मदर अराइव्ड अगर हम लिख दें आई लेफ्ट द हाउस तो ये क्या है ये मेन क्लॉज है कि मैंने घर छोड़ दिया वैन माई मदर अराइव अगर हम इसको अलग अलग लिख देते हैं वैन माई मदर अराइव जैसे मेरी मम्मी पहुंची तो इसका कोई मीनिंग नहीं है ना मम्मी पहुंची तो क्या हुआ तो यहाँ पर ये क्या है अगर हम इसको हटा देते हैं आई लेफ्ट द हाउस वैन माई मदर अराइव इनको सेपरेट कर लेते हैं तो इनका मीनिंग क्या हो रहा है इनकम्प्लीट हो रहा है यानी कि वैन माई मदर अराइव किस पर डिपेंड है आई लेफ्ट द हाउस मैंने घर छोड़ा जैसे मेरी मम्मी जब मेरी मम्मी क्या हुई पहुंची तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें एक क्लॉज दूसरे मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं इसके अंदर क्या आते हैं इसके अंदर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाते हैं तीनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे कि इन तीनों के बीच इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है तो सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है सिंपल सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है हमने आपको बताया था कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उनके अंदर क्या होता है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट और एक्सप्रेस अ कंप्लीट थाट यानी कि पूरा मीनिंग कम्प्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं फॉर एग्जाम्पल द बॉयज द बॉयज़ क्या है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है वेंट टू द पार्क यानी कि ये सब्जेक्ट और ये क्या है प्रेडिकेट तो बॉयज़ कहाँ गए पार्क गए तो इसमें क्या हो रहा है कम्प्लीट मीनिंग निकल के आ रहा है वी लाइक पिज़्ज़ा वी क्या है सब्जेक्ट लाइक पिज़्ज़ा क्या है प्रेडिकेट इसमें भी क्या हो रहा है कम्प्लीट मीनिंग निकल के आ रहा है तो सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है एक सब्जेक्ट होता है एक प्रेडिकेट होता है और फाइनेट वर्ब फाइनेट वर्ब इसके अंदर क्या है वेंट और लाइक तो यानी कि इस तरह के सेंटेंस जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है एक प्रेडिकेट होता है कम्प्लीट मीनिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या है इसके अंदर दो ऐसे क्लॉज दो ऐसे इंडिपेंड टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि दो इसके अंदर हम टू क्लॉज को भी कनेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा क्लॉज को भी कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन जो क्लॉज कनेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं उनका मीनिंग कम्प्लीट होता है उन इनकम्प्लीट मीनिंग नहीं होता अगर उन्हें सेपरेट करें तो उनका क्या होता है कम्प्लीट मीनिंग होता है वो दूसरे से क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ वेंट टू द पार्क लड़के कहाँ गए पार्क गए तो ये क्या है इसका मीनिंग कम्प्लीट है दे डिड नॉट गो टू द ज़ू वो कहाँ नहीं गए जू नहीं गए तो इनका इसका भी मीनिंग कम्प्लीट है यानी इन दो सेंटेंस को अगर हम सेपरेट करें इन दोनों इन दोनों का क्या है कंप्लीट मीनिंग है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है लेकिन हमने इनको किससे कनेक्ट कर दिया बट यानी कि कॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से और कॉर्डिनेटिंग कन्जक्शन कौन कौन से होते हैं फोर एंड नॉर बट और येड ये सारे क्या होते हैं कॉर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं तो हमने क्या कर दिया द बॉयज़ वेंट टू द पार्क बट डेड डिड नॉट गो टू द ज़ू यानी कि बॉयज़ कहाँ गए पार्क गए लेकिन वो कहाँ नहीं गए ज़ू नहीं गए तो हमने क्या किया दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में कॉर्डिनेटर कंजक्शन से जोड़ दिया इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस सिमिलरली वी लाइक पिज़्ज़ा तो वी लाइक पिज़्ज़ा क्या है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है वी लाइक स्पेगेटी ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी कि दोनों अलग अलग क्लॉज हैं फिर हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया एंड से कि वी लाइक पिज़्ज़ा हमें पिज़्ज़ा भी पसंद है और वी लाइक स्पेगेटी और स्पेगेटी भी हमें पसंद है तो यानी कि हमने क्या किया दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में कॉर्डिनेटिक कंजक्शन से कनेक्ट कर दो इस तरह के सेंटेंस जो आपस में क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं और इस तरह के क्लॉज को आपस में कनेक्ट करना कॉर्डिनेटिक कंजक्शन से वो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं कंट कंटेंस एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज एक क्या होता है एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है यानी कि मेन क्लॉज जो किसी पर डिपेंड नहीं होता है लेकिन दूसरा जो क्लॉज होता है वो पहले वाले पर क्या होता है डिपेंड होता है और इसके अंदर क्या होते हैं? इसके लगे होते हैं कॉर्डिनेटिक इसके के अंदर सबॉर्डिनेटर कंजक्शन लगे होते हैं सबॉर्डिनेटर कंजक्शन कौन कौन से होते हैं लेट्स सी आफ्टर बिफोर बिकॉज वैन ऑल दो वैन एवर डेड इविन दो अनलेस ये सारे क्या होते हैं सब ऑर्डिनेटिव कन्जक्शन कहलाते हैं देखिए बिकॉज द बॉयज़ वेंट टू द पार्क दे डिड नॉट गो टू द जू अब हमने यहाँ पर क्या कनेक्ट कर दिया सब ऑर्डिनेटर कंजक्शन कर दिया बिकॉज बिकॉज क्या है सब ऑर्डिनेटर कन्जक्शन है बिकॉज द बॉयज वेंट टू द पार्क क्योंकि लड़के कहाँ गए पार्क दे डिड नॉट गो टू दिड नॉट गो टू द ज़ू द दे डिड नॉट गो टू द ज़ू क्या है ये एक मेन क्लॉज है यानी कि इसका मीनिंग कम्प्लीट है बिकॉज द बॉयज़ वेंट टू दार्क अगर हम ये लिखे हैं कि क्योंकि लड़के पार्क गए अब क्या है कि लड़के क्योंकि लड़के पार गए इसका तो कोई मीनिंग इनकम्प्लीट हो रहा है ना मतलब कम्प्लीट मीनिंग नहीं है तो बिकॉज द बॉयज़ वेंट टू दार्क इस पर डिपेंड है क्यों पार गए क्योंकि वो जू नहीं गए थे समझ में आए तो इसके अंदर क्या होता है जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसका मीनिंग कंप्लीट होता है और दूसरा सेंटेंस होता है जिसके अंदर सबोर्डिनेट कंजेशन लगा होता है वो मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए द बॉयज डिड नॉट गो टू जू ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं द बॉयज डिड नॉट गो टू जू बिकॉज दे वेंट टू बॉयज़ डिड नॉट गो टू द जू लड़के जो थे जू नहीं गए क्यों क्योंकि वो कहाँ गए थे पार तो हम इस तरह तरीके से भी लिख सकते हैं तो द बॉय डिड नाट गो टू द जू ये कम्प्लीट सेंटेंस है बिकॉज दे वेंट टू द पार की इनकम्प्लीट है तो ये वाला सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस पे क्या है डिपेंड है स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है इसके अंदर सिर्फ मेन वन मेन क्लॉज होता है कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होते हैं एक मेन क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसे हम सबॉर्डिनेट क्लास भी कहते हैं यानी कि जो मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए